आज मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। दिल्ली हाई कोर्ट के 50 साल पूरे हुए, जैसा अभी बताया गया कि 31 अक्टूबर 1966 को दिल्ली हाई कोर्ट ने मौलाना आज़ाद रोड पर एक बंगले के अंदर काम शुरू किया था। वहाँ से लेके आज तक की जो यात्रा है, ये बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। और आज दिल्ली हाई कोर्ट एक बहुत ही वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में उभरा है, और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि दुनिया देश के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, शायद दिल्ली हाई कोर्ट उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और कई कारणों से माना जाता है, इसके लिए मैं दिल्ली हाई कोर्ट को भी बधाई देता हूँ और दिल्ली के लोगों को खास तौर से बधाई देता हूँ कि दिल्ली के लोग सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें इतना अच्छा हाई कोर्ट है उनके पास, जहाँ पे न्याय मिलता है। पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं घटी, वो मैं उनमें से कुछ चीज़ें चिंताजनक हैं वो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जैसा हम सब लोग जानते हैं, हमारे देश का संविधान बहुत ही खूबसूरत संविधान है। जनतंत्र हमारे देश के संविधान की फाउंडेशन है। वो जनतंत्र बना रहे और किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर सारी पावर्स ना आएं, इसके लिए संविधान के अंदर ढेर सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक दूसरे के ऊपर चेक रखते हैं। खास तौर से हमारे संविधान के, हमारे जनतंत्र के तीन स्तंभ माने गए हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। दे आर सपोज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड एट द सेम टाइम इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र भी हैं। इनकी स्वतंत्रता और खास तौर से जुडिशरी की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आई थिंक इज पैरामाउंट। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के साथ अगर किसी भी तरह की छेड़खानी होती है, वो पूरे देश के लिए, भारत के लिए, जनतंत्र के लिए, संविधान के लिए बड़ी चिंताजनक विषय बन सकता है। इस संबंध में पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं घटी, खास तौर से जो जुडिशरी के अंदर वैकेंट पोस्ट्स हैं, उन पोस्ट्स को भरे जाने को लेके जनता के बीच में काफी चर्चा का विषय बना। लोअर जुडिशरी के अंदर काफी पोस्ट्स खाली हैं, जिसकी वजह से करोड़ों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। उन पोस्ट्स को जल्दी भरा जाए। अखबारों में पढ़ा कि 3,500 से 4,000 कोर्ट रूम्स की और आवश्यकता है। जैसा मैंने पिछली बार जब मैं आया था, मैंने यहाँ पे बोला था कि दिल्ली के अंदर जितनी भी पैसे की ज़रूरत है, दिल्ली सरकार उस पैसे की कमी नहीं होने देगी। जैसे ही दिल्ली सरकार के पास इसका प्रस्ताव आएगा, जितने भी कोर्ट रूम्स की ज़रूरत है, जो भी ज़रूरत है, हम उसे मुहैया कराएंगे। नए जजेस की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है, जितनी सुविधाओं की ज़रूरत है, हम मुहैया कराने के लिए तैयार हैं। हायर जुडिशरी के अंदर वैकेंसीज हैं। हाई कोर्ट के अंदर बताते हैं कि 1100 के करीब सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, जिसमें से 450 पोस्ट्स खाली हैं। लगभग 40 से 45% पोस्ट्स खाली हैं, जिसकी वजह से काम काफ़ी सफ़र कर रहा है। अखबारों में पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने कई महीने पहले सिफारिशें करके भेजा था कि उन पोस्ट्स को जल्दी से जल्दी भरा जाए, उसकी सिफारिशें की थी। लेकिन क्या कारण रहा केंद्र सरकार में कि वो अभी तक भरी नहीं गई, वो सिफारिशें अभी तक सरकार के पास ही हैं? ये चिंता इसलिए बनती है क्योंकि ये तरह तरह की अफवाहों को जन्म देती हैं। जनतंत्र के अंदर पब्लिक ओपिनियन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पब्लिक ओपिनियन के अंदर इस किस्म की अफवाहें अच्छी बात नहीं है। जनता के अंदर चर्चा होती है कि जी फलाने फलाने मंत्री ने अपने 3 जजों की सिफारिश की थी, वो बन नहीं रहे, इसलिए नहीं भरी जा रही है। जनता के अंदर चर्चा होती है कि फलाने फलाने आदमी को जज, सरकार जज नहीं बनाना चाहती, इसलिए
फाइलें रुकी हुई हैं। मुझे लगता है कि अगर एग्जीक्यूटिव का जजों की अपॉइंटमेंट के अंदर 0.01% भी अगर किसी तरह का दखलंदाजी होती है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए अच्छा नहीं है। जुडिशरी हैज टू बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, बिकॉज एग्जीक्यूटिव के पास इतनी पावर है, इतनी ताकत है एग्जीक्यूटिव के पास, कि उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखने के लिए ही जुडिशरी की जरूरत पड़ती है। और अगर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के अंदर किसी भी तरह की एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस हुआ, वो देश के लिए, हमारे पूरे ढांचे के लिए अच्छी बात नहीं होगी। मुझे तो लगता है कि ऐसा रूल होना चाहिए, और जब तक रूल नहीं है, केंद्र सरकार ये इसको लागू करे कि जैसे ही कोलिजियम से सिफारिशें आती हैं उसके 48 घंटे के अंदर उसको लागू करके और तुरंत जजेस की अपॉइंटमेंट कर दी जाए, ताकि एक संदेश जाए कि हम सब लोग आपस में एक दूसरे इंस्टीट्यूशंस की कदर करते हैं और किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करते। दूसरी चीज कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच की रिलेशनशिप किसी तरह से कोडिफाई होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा, एग्जीक्यूटिव बहुत पावरफुल है, उसके पास ढेरों विंग्स हैं, आर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके जरिए वो तरह तरह से दखलंदाजी कर सकती है। एक उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं, जैसे आज आप लोगों के बीच में हम लोग आए, इसी तरह से कई सारी ऐसे मौके होते हैं जब जजेस से मुलाकात करने की का मौका मिलता है। आपस में मैंने जजेस को बात करते हुए देखा है, दो जजेस आपस में, यार फोन पे बात मत करना, फोन टैप हो रहे हैं, यार फोन पे बात मत करना, फोन टैप हो रहे हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता, जजेस के फोन टैप नहीं हो सकते? उन्होंने कहा नहीं, टैप हो रहे हैं, सबके टैप हो रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस, ऊपर जुडिशरी, निचली जुडिशरी। मुझे नहीं पता सच है कि गलत है, लेकिन इतना वाइड स्प्रेड अगर फियर है और अगर ये सच है तो ये बड़ा खतरनाक है। फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कहां रह गई? अगर जजेस के फोन टैप होंगे फिर तो एवरी जज कुड बी इन्फ्लुएंस्ड। ऐसा नहीं कि जजेस कुछ गलत कर रहे होंगे, लेकिन कहीं कुछ दोस्तों के बीच की बातचीत को करके, और ये तो बहुत खतरनाक है। और अगर मान लीजिए किसी जज ने कुछ गलत काम किया, तब भी फोन भगाना था, और दूसरा जनतंत्र स्थापित करना था, जनता का शासन, जनता सुप्रीम है, जनता शासक है, हम सब लोग सेवक हैं, यही हमारा संविधान कहता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है हम लोगों का, जनता सुप्रीम है। तो अगर एग्जीक्यूटिव कोई भी ऐसा एक्शन लेती है जिससे जनता की पावर छिन जाती है, वो ठीक नहीं है। और अगर जुडिशरी कोई भी इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा करती है जिससे कि जनता की पावर छीन के किसी एक इंडिविजुअल के हाथों में दे दी जाती है, ये भी ठीक नहीं है। ऐसा इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का, मेरे हिसाब से, इसके लिए आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। अगर कोई भी ऐसा इंटरप्रिटेशन संविधान का होता है, कोई भी ऐसा अगर एक्शन होता है जो जनता की पावर को छीन के किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में दे देगा, तब तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी, फिर जनतंत्र कहां रहेगा? इसकी भी चर्चा लोगों के बीच में हो रही है। अंत में मैं फिर से दिल्ली हाई कोर्ट को, दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं आज 50 साल पूरे करने पे, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। प्रेसिडेंट पुतिन एंड आई नोटेड द सिमिलैरिटी ऑफ आवर व्यूज ऑन द सिचुएशन इन अफगानिस्तान एंड टर्मोइल इन वेस्ट एशिया। वी ऑल्सो एग्रीड टू वर्क क्लोजली